भाई बस जो है क्या ये भाई, ओ भाई देखो शांत हो जाओ, डर लग रहा भाई, अटैक करो अरे भाई चुप भाई मुझे डर, भाई अटैक करो, अटैक कर देगा, शांत रहो यार, समझते नहीं तुम। एक बार भाग रखा हूँ मैं यहाँ से, यूं टल लिया ऊपर को, ऊपर से आ रहा था नीचे को, और जब वो अगर इधर से आ रहा है तो समझ लो कि रास्ता हमको ही बदलना पड़ेगा। हाँ वो तो बदलना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यो मैन तो गाइस पिछले एक घंटे से ट्रैकिंग कर रहे हैं, तब पहाड़ी के टॉप पर जा रहे हैं भाई। आगे लोकेशन तो दोस्तों हालत खराब होगी भाई, चढ़ते चढ़ते भाइयों शर्ट वगैरह सब उतार दी, पसीने पसीने हो गए, तो अभी सैंडो में काम चला रहे हैं, तो चलते हैं लोकेशन की तरफ। बेस्ट लोकेशन है भाई, भाई सही है, प्लेन भी है, सरफेस गुड और सफाई। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई लोकेशन पे, और आज अपनी जो कैंपिंग होने वाली है वो होने वाली है ग्रुप कैंपिंग, और मेरे साथ है कैंपिंग विद आर्यन और एक्सपीडिशन मोर। तो भाई यहाँ आज अपनी कैंपिंग होगी, यहाँ पे हम अपना कैंप लगाएंगे, लोकेशन एक नंबर मस्त है, और अभी ही बारिश रुकी है, 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज बारिश रुकी है, बल्कि सुबह तक भी बारिश थी, तो अपन इसलिए निकल गए हैं कैंपिंग करने के लिए, और साथ में ग्रुप कैंपिंग। तो भाई करीबन करीबन 2 किलोमीटर की पूरी खड़ी चढ़ाई करके आए हैं, लगभग 1 घंटा लग गया, बहुत हालत खराब हो गई, और भाई को इतना पसीना आया भाई ने टी शर्ट ही उतार दी। तो बस अब टाइम को ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि टाइम हो चुका है 5:30, अपना जल्दी से टेंट को पिच कर लेते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत खतरनाक है, यहाँ ज़्यादा देर कैंप लगा नहीं सकते, क्योंकि ध्यान भी रखना है। तो चलिए जल्दी से अपना पहले टेंट लगाते हैं। अरे भाई यार कैंपिंग वैम्पिंग मत करो, क्यों भाई, यहाँ लेपटे का खतरा है बहुत, यहाँ पे यार यहाँ बहुत से लोग, उन पर खतरा था यहाँ, उन्होंने देखा कोई नहीं, हम हथियार हथियार लाए हैं यार हमारे पास, लेकिन भाई कुछ हो तो आपकी जिम्मेदारी होगी, फिर बहुत खतरा है भाई यहाँ, अभी हुआ कुछ के कुछ कांड हाल में ही थे यहाँ, परसों भी देखे लोगों ने, हाँ भाई रात को तो बहुत ही खतरा है यहाँ। चलो कोई नहीं भाई, हम पैकअप करते हैं यार, सॉरी भाई, सॉरी भाई, थैंक यू, ठीक है। बताओ कैसे करना है भाई, तो वो बोल रहा है कि यहाँ लेपट है भाई। देखो जैसा आप लोग कुछ समझो, क्योंकि मेरी तो ज़्यादा कैंपिंग हुई नहीं है, तुम लोगों ने ज़्यादा कैंपिंग करी है भाई, लेपट तो आता है हमारी कैंपिंग। देखो लेपट आ चुका है, लेपट तो हमें पहले वीडियो में लेपट आ चुका है, लेकिन वही है कि सेफ्टी अपने हाथ है, बताओ सेफ्टी रखेंगे सब काम होंगे, अगर एक काम कर देना थोड़ी सी करके देखते हैं, अगर लगेगा हमें कुछ ऐसा खतरा है भाई, टेंट में सो जाएंगे, खतरा तो कैंपिंग में रहता है ऑलवेज, वो तो ऑब्वियस बात नहीं, तो अगर सेफ्टी देखेंगे तो घर में ही बैठेंगे ना, कोई नहीं करते भाई, लेट्स, और ज्यादा क्या होगा टेंट में, अरे पहले भी गए थे वहां भी बोला था, तो गाइस कोई नहीं, अब हम अपना यही कैंपिंग कंटिन्यू करते हैं, हम जा नहीं रहे क्योंकि अब हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जैसा भी होगा लेपट आए वो रात को देखा जाएगा, क्योंकि हम 3 बंदे हैं और साथ में हमारे पास चाकू वाकू सब वेपन है, चाकू डंडे सब कुछ है, तो हम फुल लैस है, वैसे कोई जो भी खतरा होगा देख ले, क्योंकि अकेले नहीं है, सोलो कैंपिंग में दिक्कत होती है, हाँ मोस्टली सोलो कैंपिंग दिक्कत होती है। दोस्तों देखो आपके लिए हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ से हम वापस चले जाएँ तो ये तो पॉसिबल है नहीं, नहीं हम अपनी जान जोखिम में डाल के
आपको ये कैंपिंग जरूर दिखाएंगे दोस्तों। इससे पहले आप एंजॉय करना, घबराना मत बिल्कुल दोस्तों। इससे पहले भाई पता है कि लेपर्ड कितनी बार आए कैंपिंग में, बट कोई सुनिए करते भाई कैंपिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो तो बस दिल काटो ना। तो गाइस रात हो चुकी है जैसा आप देख रहे हैं, और बस हम अपना डिनर बनाने की तैयारी करते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं डिनर बनाने में, क्योंकि शाम को यहाँ आसपास के लोग आ गए थे जो रहते हैं, उनसे बातें करने लगे थे कि कैसा इलाका है, वो कह रहे थे यहाँ लेपर्ड का बहुत ख़तरा है। तो इसलिए मैं इतना करता हूँ नूडल्स का बॉइल, और भाई करते हैं इतना वेज सब्जी काट लो आप लोग इतना। हाँ आप नूडल बॉइल करो, हम इतना भाई वेजेट अपने भाई जो ये वेजिटेबल्स है इतना करते हैं, ये चॉप चाउमीन बना रहे हैं। और आज की रात बहुत एडवेंचर होने वाली है, खतरनाक वाली भाई, क्योंकि जिस हम लोकेशन पे हैं ये पूरा लेपर्ड और भालू का इलाका है, यहाँ तेंदुआ और भालू फुल आतंक मचाते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ दिन में ही बाइक पे से लोगों को खींच लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन चैलेंज मंजूर है। जल्दी से अपना खाना बनाते हैं, टेंट के अंदर जाएंगे, देखते हैं रात को क्या होता है। तो जल्दी से अपना एडवेंचर होने वाला भाई फुल, क्योंकि हमारे बैक साइड में लाइट बेशक लग रही है, पीछे बिल्कुल खाना जंगल है। मोहित भाई बनाएंगे चाउमीन, तो उसके लिए पहले डाल देते हैं पानी नूडल्स को बॉईल करने के लिए। चौकस रहना है तो दोस्तों। देखिए भाई अपने पास सब कुछ लेकर चले, अपने पास दोनों पास चक्कू है भाई, ये रहा डंडा अपने पास, देखो उधर भी अपना डंडा रखा है भाई, दिखा दे डंडा भाई, ये देखो। बस जल्दी से कर लेते हैं अपना, क्योंकि यहाँ लेट बाहर रुकना ठीक नहीं है ना। टाइम भी दोस्तों हमें काफी हो चुका है, 8:30 का टाइम हो रहा है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे शिमला मिर्च और यहाँ पे प्याज कटी अपनी, और गाइस अभी बिल्कुल पीछे से आवाज आई है बहुत भयंकर वाली, बहुत भाई साहब बिल्कुल नीचे जंगल जो खाई है ना भाई, खाई में से आवाज आई है जैसे लेपर्ड गुर्राता है ना। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब तो हम खतरों के खिलाड़ी हो चुके हैं। हम कैंपिंग ही वहाँ कर रहे हैं तीनों भाई मिलके, जहाँ एडवेंचर है और खतरा सबसे ज़्यादा है बिल्कुल। लेकिन ये है कि भाई अपने हथियार साथ में लेके चलते हैं भाई, चक्कू डंडा जो भी है, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ भी है भाई। भाई आप जिन लोगों को देखते हैं कि पहाड़ पे कैंपिंग करते हैं और रात गुजार रहे हैं, वो गुजारते नहीं, वो टेंट लगा के सीधा अपने घर में चले जाते हैं। पहाड़ी लोग जानते होंगे, जो आप ज्यादातर लोग कैंपिंग कर रहे हैं घर की छत के ऊपर लगा देते हैं, घर की छत के पीछे पीछे लगा दिया टेंट, और शाम तक 8 बजे तक वीडियो बनाए, सीधा घर में सुबह उठ के फिर चले गए। उनके साथ में उनके साथ भी होते हैं, ये रियल एडवेंचर है जो आप देख रहे हैं, फुल नाइट एडवेंचर। आपने भाई कभी, और दिन में एक बंदा आया था शाम को जब टेंट लगा रहे थे, वो बता रहा था कि आप यहाँ क्यों रुके हो, यहाँ लेपर्ड रहता है, उसकी वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वॉइस रिकॉर्ड हुई, आवाज रिकॉर्ड हुई है वॉइस, वो आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि क्या बोल रहा है वो। शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और नूडल्स उधर उबल रहे हैं, और तब तक करते हैं थोड़ी गपशप। ये ब्रेड इतना बना लो, ये तो चाउमीन के साथ खा लेंगे, कोई नहीं या पीनट बटर लगा, एक एक लगा लो इतना, पीनट बटर लगा दूँ, हाँ करेंगे इतना है, लगा बटर लगा दो, पीनट बटर। तो गाइस अभी हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो गया, अब हम ब्रेड पे क्योंकि भूख लग रही है तो पीनट बटर के संग ब्रेड खाएंगे। और इधर भाई अपनी चाउमीन बॉयल हो जाएगी, और यहाँ पे चॉप हो चुका है सारे वेजिटेबल्स, और थोड़ी देर में भाई चाउमीन की करते हैं तैयारी, अच्छे से बनाते हैं, अब बिंदास होकर भाई खाते हैं भाई। ये है पीनट बटर जो कि हम अपने घर से लाए हैं यार, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट कैंपिंग वीडियो में हम तीनों अपने ग्रुप कैंपिंग में क्या बनाएं, जो भी आपको डिश खानी हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आवाज़ आ रही भाई, भाई एक काम करो, आवाज़ आ रही है। कोई नहीं भाई डिनर बना लो अपना, डिनर बना के फटाफट। तो अभी भाई आवाज़ आई थी लेपर्ड की, हल्की तो काफ़ी दूर से आई थोड़ी, बट भाई जल्दी से अपना डिनर बनाते हैं और चलते भाई टेंट के अंदर। तो भाई डिनर बना के सब कुछ अपना टेंट के अंदर खाएंगे आराम से, भाई को बताओ। तो भाई खाते ब्राउन ब्रेड है पीनट बटर के साथ,
मजा आएगा। या भालू होता है तो गाइस आज देखते हैं कि कोई ना ही आए तो अच्छा है, हम तो यही उम्मीद करेंगे। क्यों मोहित भाई? बिल्कुल भाई, और अगर आ गया तो हटेंगे नहीं पीछे, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि यार आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन एक चीज़ और, रात को सो रहे ना भाई, चैलेंज है ये, अगर लेपर्ड के पास में टेंट के बाहर कुछ आवाज़ आ रही है तो भाई बाहर निकलेंगे आज। निकलेंगे पक्का भाई, बाहर निकलेंगे आज। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिकॉर्ड करके दिखाएं। बिल्कुल, लेकिन गाइस आवाज़ आती है, इतना लेपर्ड निकल जाता है, लोग कहते हैं भालू की आवाज़। भालू कुत्ते जैसी है ना। अगर भालू की गाड़ी में सोंगे वही, अगर एक आध बार होगा ही ना भाई, भालू से नहीं बच सकते हम, लेपर्ड से तो बचेंगे। तो दोस्तों अभी भाई इधर से भालू के आवाज़ आई है, लेकिन आई काफ़ी दूर से है, कम से कम होएगा 300 मीटर। तो गाइस नूडल्स तो बॉयल हो चुके हैं, अब कर लेते हैं चाउमीन बनाने की तैयारी, वेजिटेबल को फ्राई कर लेते हैं क्योंकि भाई ने वेजिटेबल काट दिए, तब तक नूडल्स भी बॉयल हो चुके हैं और कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। अब इधर भाई अपनी जो जितनी भी ये है वेजिटेबल सारी चॉप हो चुकी है, और करते भाई रेडी खाने की बनाकर। यस तो कढ़ाई चढ़ चुकी है भाई, अब डालते हैं इसमें भाई ऑयल। गाइस ध्यान इतना रखना पड़ रहा है चार तरफ, क्योंकि यहाँ लेपर्ड और भालू दोनों का खतरा है, पता नहीं कौन सी चीज़ कब हमला कर दे। अब इसमें घेर लेते हैं गाइस पत्ता गोभी। क्योंकि इसमें अब हम कर रहे हैं मसाले ऐड, बस मसाले रह गए, मसाले ऐड होने के बाद तो बस परफेक्ट बन जाएगी। तो दोस्तों चारों तरफ भाई लाइट भी लगानी पड़ रही है, देख डालू दोनों, क्योंकि इधर भी डालना, पीछे भी देखना है। मैगी एक डालो, पेरी पेरी डालो, पूरा जो है हमें भाई इस वाली पहाड़ी नीचे खाई है, इधर की साइड से ज़्यादा खतरा है, तो मोस्टली लाइट हमें इधर भी देखनी पड़ रही है और इधर से भी। यो मैन जिंदाबाद है भाई ये। भाइयों आज मिलके सामना करेंगे, ये देखो जंगली जानवरों का, ये है भाई समझ रहे हो, और ये देखो, और ये भाई उत्तराखंड वालों के लिए नहीं है, क्यों भाई वो तो घर के ऊपर पहाड़ी पे पास में कर लेते हैं, घर वालों को ले जाकर सोलो दिखा देते हैं, तो मोस्टली भाई ये समझ रहे हो, कभी उन्होंने दिखाया कि हमारे पास ये चीज है, ये चीज है नहीं ना भाई, गाइस इसमें डाल ये भाई, ये भाई गाइस अब इसमें डाल लेते हैं नूडल्स को, अब डाल लेते हैं इसमें रेड चिली सॉस। तो दोस्तों मसाले ऐड हो रहे हैं और सॉस ऐड हो रही है, चाउमीन के सारे मसाले डाल दिए गए हैं भाई, सिर्फ टेस्ट बनाने के लिए बढ़िया वाला, और ये विनेगर, हाँ इसकी तो खुशबू ही, खाया पिया पचाया। लेकिन भाई चाउमीन पचती नहीं है। भाई आज सब कुछ पचने वाला है, और गाइस ये है ग्रीन चिली सॉस। दोस्तों आज देखते हैं क्या क्या पचता हमारा, क्या क्या नहीं पचता, आज तो हम ऐसे दो दो चाकू लेके बैठे हैं बेटा, आजा किसको आना है वाली हूँ। सब कुछ डाल चुके हैं मसाला और नूडल्स, देखिए क्या मस्त कलर आ रहा है, बस इसको हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और फिर सर्व करते हैं, फिर खाते हैं। तो गाइस अपनी चाउमीन हो चुकी है रेडी, बस अब अपना आराम से डिनर करते हैं। तो गाइस अब करते हैं सर्व, दिखाओ आप अपनी प्लेट तो लाओ जी लाओ, बस बस दोबारा ले लूँगा ठंडी हो जाएगी।
और गाइस देखिए हवा चल रही है ठंडी ठंडी, फॉग आ रहा है, ठंड लगने लगी। लो भाई उधर फॉग दे दो, फॉग उधर नहीं। कैसी बनी है? अमेजिंग, यम्मी भाई यम्मी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यार कैंपिंग में टेस्ट ना सच बताऊं चार गुना हो जाता है रियली। अगर हम जैसे कोई भी चीज़ घर खाते ना तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बाहर आके उस चीज़ को खाते ना, जब पिकनिक पे गए फैमिली के संग, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, एक नंबर मस्त बनी। मजा आ गया, अल्टीमेट। भाई मैं तो सोच रहा हूँ भाई को अपने घर से आगे एक दुकान खोलो चाइनीज की। इंस्टॉल लगवा ले। नहीं सब खुलवाएंगे पूरी। क्या हुआ? आवाज हथियार का, हथियार इधर इधर, लाइट दो, लाइट लाइट दो, लाइट 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 इधर 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 से आवाज आ रही है भाई। अब मेरे को पास सही है, लाइट देखो, लाइट से देखो अच्छे से, सामने देखो, सामने तो नहीं है, उधर वो देखो। जो क्या है मुझे तो यार ये भालू से लगा। मुझे भी सेम, क्योंकि कुत्ते जैसी आवाज भालू ही निकालता है। कुत्ता तो मैंने देखा ना जब वो आंखें चमक रही थी ना, मुंह आगे से उसका थोड़ा सा नोक सा था, क्योंकि भालू की आवाज सेम कुत्ते के भौंकने जैसी होती है। भाई भाई एक काम करो भाई, टेंट के अंदर चलो भाई। नहीं पहले जल्दी से डिनर फिनिश करते हैं, डिनर फिनिश करो और टेंट के अंदर चलो फटाफट। हां डिनर फिनिश करके लाइट को जल्दी, ज्यादा वेस्ट मत करो टाइम को, क्योंकि बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। अपने पास रखो और पीछे एक जना, पीछे मैं पीछे देख रहा हूं, आप आगे देखो, ठीक है? ऐसे करके करते हैं भाई। पक्का भालू था की आवाज, 100% भालू भालू तो लगा मुझे भी। जल्दी करो बस, आप मेरे को टॉर्च दो। हां टॉर्च लो, मैं तो टॉर्च मार के देखता हूं। आप खाना खाओ फटाफट भाई। दोस्तों अभी भालू की आवाज लगी थी जैसे कुत्ता भौंकता ना, इस तरीके से बिल्कुल सामने से, बिल्कुल हाँ, क्योंकि भालू सेम ऐसे बोलता है जैसे कुत्ता भौंकता है। हाँ हमें वाली थी औ औ करके ऐसे ना। हाँ खाओ, मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप खाओ। कोई नहीं, खाते रहेंगे ना, तो मैं भी खाऊंगा ना, देख के रखना पीछे भी, खाते रहो कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे पीछे देखो, मैं देख रहा हूँ। हाँ चलो तो गाइस अब अपना टेंट में चलते हैं, चलो भाई है ना। तो दोस्तों आज के लिए गुड नाइट, चलते टेंट के अंदर और मिलते हैं सुबह आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। तो गाइज अपना टेंट के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि बाहर रुकना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि भालू जैसी आवाज़ आई और लगा भी कि जैसे उधर भालू है, तो इसलिए जल्दी टेंट में आ गए हैं। बस अब अपना सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट। टेंट हिलाता, शोर मत मचो, शोर मत मचो, टेंट हिला ओ भाई, इधर से टेंट हिला ओ भाई, शांत रहो ओ भाई। सुनो पहले है क्या ये? जो जो सी चीज़ ये है क्या आखिर? भाई पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। उधर लो क्या? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये भाई मॉडल लग रहा भाई, अटैक करो भाई, मुझे अरे भाई भाई मुझे डर, भाई अटैक करो, अटैक कर देगा, शांत रहो यार, समझते नहीं तुम। भालू है पक्का, भालू है पक्का, चक्कू है, नहीं नहीं
यही है बिल्कुल पक्का 101% बीच में बैठो। खाने खाने के बर्तन रहे थे वहां से? अरे वो खाने पे आया है यार, वो मेरी भारी रह गए ना वो। ओ भाई ओ भाई, लाइट बंद करो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है लेकिन गाइस रात बहुत भयंकर थी। पता नहीं किस चीज़ ने हम पे अटैक कर दिया था टेंट पे, शायद भालू था। लगता ऐसी रात हो जैसे भालू है, जब हम चीखे चिल्लाए हमने शोर मचाया तब जाके भालू भागा है यहाँ से। गाइस पूरी रात नहीं सो पाए और जल्दी उठ गए क्योंकि यहाँ से अब निकलते हैं, पूरी रात नहीं सोए। तो अपना जल्दी से बैग पैक करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए कैंपिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।